मस्कार जय श्री राधे मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर करश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल को देख रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर करें लाइक कमेंट शेयर फॉलो जरूर करें तो बात करेंगे हम वुमेन्स प्रीमियर लीग मैच नंबर सात की जो कि होगा डेली कैपिटल्स वर्सेज मुंबई इंडियंस ये मैच होगा नौ मार्च दो का शाम के साढ़े बजे का मैच रहेगा और अगर हम बात करें दोनों ही टीम्स की तो दोनों ही टीम्स का जो परफॉर्मेंस है वो बेहद ही खास रहने वाला है यहाँ पे हम अगर दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो uh, मैगलेन जो है इनकी कैप्टन है और इनकी अगर डेट ऑफ बर्थ की बात बात करते हैं तो मार्च पच्चीस उन्नीस सौ नाइनटीन uh, इनका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर अगर सात नंबर देखें तो इनके लिए जो है uh, रूट नंबर इनका सेवन है जो इनके लिए अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इनके लिए परफॉर्मेंस जो है थोड़ा सा कठिन रह सकता है यहाँ पे हालांकि स्कोर डेफिनेटली अच्छा बनाएंगी मगर यहाँ पे जो है इनके लिए प्रदर्शन एक तरह से आ, खास रहेगा स्कोर की अगर यहाँ पे बात करें तो ये कम से कम 40 से 50 रन इस मैच के अंदर अंदर ही बना सकते हैं मगर वहीं पे प्लेयर्स की अगर बात करें डेली कैपिटल्स की डेली कैपिटल्स का जो टीम परफॉर्मेंस रहेगा नो डाउट बहुत ही अच्छा रहेगा जो लास्ट मैच में परफॉर्मेंस दिया था उसी तरह से इनका परफॉर्मेंस बहुत ही खास दिखेगा वहीं पर अगर स्कोर की बात करें 190 से uh, 180 से 190 जो है दिल्ली कैपिटल्स बना सकती है स्कोर वहीं पर अगर हम बात करें मुंबई इंडियंस की तो 8 मार्च 1989 इनका डेट ऑफ बर्थ है और कल ही इनका यानी अभी वुमेंस डे पे ही हाल ही में इनका जन्मदिन निकला है और ये आ, इंडिया को रिप्रेजेंट करती है मगर यहाँ पे ये जो रिप्रेजेंट कर रही हैं मुंबई इंडियंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं और कैप्टन है ये तो इनका जो प्रदर्शन रहेगा वो काफ़ी हद तक थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि डामाडोल रह सकता है यहाँ पर मुझे एज़ कम्पेरिजन जो है डेली कैपिटल्स की कैप्टन ज़्यादा मैक जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही हैं इनके प्रदर्शन की बात करें तो मुंबई इंडियंस का जब आर सी बी से मैच हुआ तो बहुत खास ये नहीं खेल पाई थी बट जब गुजरात से हुआ तो वो अच्छा इन्होंने प्रदर्शन दिखाया था पैंसठ रन इन्होंने बना दिए थे मगर यहाँ पे अगर हम बात करें दोनों ही टीम्स का कंपैरिजन करते हुए स्पेशली अगर मुंबई इंडियंस की मैं बात करूं मुंबई इंडियंस स्टार्टअप बेहद ही खास लेंगे मगर तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी दिक्कत कठिनाइयाँ आ सकती है और ये जो परेशानियाँ आ सकती है ये मुझे ऐसा लगता है कि जो फिफ्टी ओवर है उसके बाद इनको ज्यादा फेस करना पड़ेगा अदरवाइज जो है एथ ओवर के बाद ये थोड़ा सा लो हो जाएंगे बाकी यहाँ पे अगर मैं बात करूं डेली कैपिटल्स की डेली कैपिटल्स जो है वो कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाएगी और साथ ही साथ देखा जाए तो आ, मतलब टीम वर्क भी बहुत हार्ड इनका नजर आएगा अगर स्कोर की बात करूं तो डेली कैपिटल्स के मैंने पहले ही बताया आपको 180 सौ अस्सी से एक के आसपास स्कोर बना सकती है मुंबई इंडियंस के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है चेस करना बाकी मुंबई इंडियंस कोशिश पूरी करेगी फर्स्ट इनिंग्स में अगर मुंबई इंडियंस स्कोर बना देती है तो भी मुझे वही लगता है कि मुंबई इंडियंस जो स्कोर बनाएगी वो एक सौ चालीस एक सौ पचास बनाएगी जो कि ईजिली चेस करने के चांसेस लग रहे हैं डेली कैपिटल्स के बाकी देखेंगे क्या होगा इस मैच के दौरान मगर यहाँ पे टॉस और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ प्रडिक्शन की कि कौन सी टीम जीतेगी उसको बताने से पहले मैं आप सभी को कहूंगी कि स्क्रीन पर जो हमने डिटेल्स शेयर की है या आप इनसे जुड़ सकते हैं अगर मैथ से रिलेटेड कोई भी प्रोडिक्शन आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ चलिए टॉस की तो टॉस यहाँ पे जीतने के, के चांसेस डेली कैपिटल्स के लग रहे हैं और अगर यहाँ पे हम बात करें मुंबई इंडियंस की तो मुंबई इंडियंस के लिए थोड़े से मुश्किल चांसेस लग रहे हैं क्योंकि मैच जीतने के चांसेस भी डेली कैपिटल्स के हैं यानी टॉस और मैच दोनों ही डेली कैपिटल्स के ले जाने के चांसेस हैं बाकी देखेंगे क्या होगा मैच के दौरान फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत लाइक कमेंट शेयर फॉलो सब्सक्राइब करना भूले हमारे चैनल को नमस्कार जय श्री राधे